वज्रीन् वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। कौन द्रव्य किस द्रव्य रूप परिणमन करता है या नहीं करता, हम क्या समझते हैं और वास्तविकता क्या है, इसका परिचय आज कराया जाएगा। थोड़ा ध्यान दें, गाथा नंबर 82, 83, 84, 85 आज हम चार गाथा करेंगे। घबराइए नहीं, चार गाथा कैसे होंगी, चारों गाथाएं बिल्कुल एक सी हैं, सिर्फ चौथा चरण जो है वो बदला हुआ है, वो हम आपको समझा देंगे। अभी पहले हम समझाएंगे आपको 82, 83 और 84। आइए उच्चारण करते हैं। ण विपरिणम दिण गिण दी उपजदिण पर दव जाए णी जानन्तो बिहु पुगल कम्मम अणेय विहम। बोलिए ण विपरिणम दिण गिण दी उपजदिण पर दव जाए णी जानन्तो बिहु पुगल कम्मम अणेय विहम। ण विपरिणम दिण गिण दी उपजदिण पर दव जाए णी जानन्तो बिहु पुगल कम्मम अणेय विहम। अर्थ पर ध्यान दीजिए, रवि परिणमधि न अनुरूप परिणमन करता है, न गिरणधि न उन्हें ग्रहण करता है, न उपजदि न अनुरूप उत्पन्न होता है, किन रूप परदव पर्याये परद्रव्य की पर्यायों में। क्या लिखा, परद्रव्य की पर्यायों में ना अनुरूप परिणमन करता है, ना उन्हें ग्रहण करता है और ना अनुरूप उत्पन्न होता है। कौन, ज्ञानी, ज्ञानी कैसा होता हुआ, जानन्तो बिहु जानता हुआ, निश्चय से जानता तो है लेकिन उत्पन्न नहीं होता। किन में, किनको जानता हुआ, पुगल कम्मम अनेय विहम अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को। पुद्गल कर्मों को अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ भी उन रूप ना तो परिणमन करता है, ना उन्हें ग्रहण करता है और ना उन रूप उत्पन्न होता है। फिर देखें, जो पुद्गल है ना, जो ज्ञानी है ना, देखिए जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है ये पुद्गल कम्मम मणेय विहम अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ भी ना उन रूप परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है, किन रूप परद्रव्य की पर्याय रूप। फिर देखें एक बार, ज्ञानी पुद्गलिक कर्मों को अनेक प्रकार के पुद्गलिक कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से न उन रूप परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है।
क्यों? क्योंकि वे परद्रव्य की पर्याय हैं। इस कारण वो किस रूप रहता है? वो तो अपने रूप रहता है। क्या समझाया इसमें? अर्थ जरा देखते हैं। ज्ञानी अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्यायों में न उन स्वरूप परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है। वो कैसा रहता है? वो तो अपने ज्ञान स्वभाव में रहता है। ण विपरिणम दीण गिणदी उपज दीण पर दव पाए णानि पुगल दवम पिता परिणम दिशे भावेहिं। बोलिए। रवि परिणम दिन गिणदी उपज दिन पर दव पाए पुगल दवम पिता परिणम दिशे भावेहिं। रवि परिणम दिन गिणदी उपज दिन पर दव पाए पुगल दवम पिता परिणम दिशे भावेहिं। अर्थ पर विचार करें। रवि परिणम दि न उन रूप परिणमन करता है, न गिणदि न उन्हें ग्रहण करता है, न उपजदि न उन रूप उत्पन्न होता है। किस रूप? परद्रव्य की पर्यायों में। शिष्य ने प्रश्न किया था, आपने जीव के बारे में तो बता दिया कि जीव अन्य द्रव्य की पर्याय रूप उत्पन्न नहीं होता, अच्छा पुद्गल की दशा क्या होती है ये बताइए। तो ये कह रहे हैं पुगल दव्वंपी, पुद्गल द्रव्य भी तहा माने उसी प्रकार परिणमदि परिणमन करता है, सये ही भावे ही अपने ही भावों से। कह रहे हैं जीव तो अपने भावों से परिणमन करता था और अन्य रूप न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। उसी तरह पुगल दव्वंपि तहा, तहा माने उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी न अनुरूप अनुरूप परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न अनुरूप उत्पन्न होता है। किस रूप? परद्रव्य पज्याये, परद्रव्य की पर्यायों में परिणमन नहीं करता। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ पुद्गल द्रव्य यद्यपि जीव के साथ अनंत काल से बंधा है और बंधा रहता है, कोड़ा कोड़ी सागरों तक बंधा रहता है, फिर भी पुद्गल द्रव्य जीव नहीं बनता, जीव पुद्गल नहीं बनता। दोनों अपने अपने रूप रहते हैं। पुद्गल द्रव्य ना पुद्गल द्रव्य अपने भाव रूप से परिणमन करता है, ना तो अन्य द्रव्य रूप उत्पन्न होगा, न ग्रहण करेगा, न परिणमन करेगा। अर्थात जीव के साथ बंधा है पर उसका एक भी अणु जीव रूप नहीं बनता, न उस रूप परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, न उस रूप उत्पन्न होता है। क्यों? पुद्गल के लिए वह परद्रव्य की पर्याय है। सिद्धांत क्या बना? कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप न परिणमन करता है, न अन्य द्रव्य को ग्रहण करता है, न अन्य द्रव्य रूप उत्पन्न होता है। क्योंकि एक द्रव्य का अपने स्वभाव को छोड़कर परद्रव्य की पर्याय रूप उत्पन्न होने का कोई नियम आगम कोई कानून नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा नहीं होता। अर्थ देखें, पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्यायों में, परद्रव्य की पर्यायों में उस रूप ना तो परिणमन करता है,
न उन परद्रव्यों को ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है, क्योंकि वह तो अपने ही भावों से परिणमन करता है। जीव अपने भावों से परिणमन करता है, कभी अन्य रूप परिणमन नहीं करता। पुद्गल अपने भावों से परिणमन करता है, वो अन्य रूप परिणमन नहीं करता। कर्ता कर्म अधिकार है। किस जीव का कौन सा द्रव्य किन का करता है और किन का करता नहीं है, कौन से जीव के कर्म हैं और कौन से कर्म नहीं हैं, निश्चयने से और व्यवहारने से ये यहाँ बताया जा रहा है इस अधिकार में। पंडित जी, फिर पुद्गल का जीव से संयोग क्यों होता है? द्रव्य छह हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन छह द्रव्यों में से परिणमनशील द्रव्य तो सिर्फ दो हैं, जीव और पुद्गल। ये दोनों आपस में संयोग को प्राप्त होते हैं। संयोग रूपी परिणमन सिर्फ इन दो में होता है। अन्य द्रव्यों में देखें, धर्म द्रव्य में वो किसी से नहीं जुड़ते, अधर्म द्रव्य किसी द्रव्य से नहीं जुड़ता, काल द्रव्य भी नहीं जुड़ता, आकाश द्रव्य भी नहीं जुड़ता। जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो संयोग को प्राप्त होते हैं। जैसे जीव है, जीव को शरीर प्राप्त हुआ, जीव के साथ कर्म जुड़े, जीव में राग द्वेष हुआ, ये जीव और पुद्गल का सारा खेल है। लेकिन इतना होने पर भी जीव पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता। इन दोनों का संयोग तो होता है, लेकिन ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं, तरह तरह के परिणामों में, जैसे जीव सब तरह के परिणाम रूप होते हुए अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वैसे पुद्गल भी जीव के साथ जुड़ता है, पर वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हर द्रव्य अपने रूप परिणमन करता है, अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो इन दो ही द्रव्यों में परिणमन होता है, अन्य में नहीं होता, इसलिए दो द्रव्यों की चर्चा यहाँ की गई और बताया गया है। इन दोनों में संयोग होते हुए भी ये दोनों द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। पंडित जी, ऐसा कौन जीव जानता है? जिनको नए पद्धति का ज्ञान है, जो निश्चय ने और व्यवहार ने को अच्छी तरह समझते हैं, जो द्रव्य के स्वभाव और प्रभाव को अच्छी तरह समझते हैं, जो कर्ता और कर्म भाव को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वो इस तरह जानते हैं कि संयोग होना संभव है, लेकिन एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप परिणमन होना संभव नहीं। आत्मा के साथ कर्मों का चिपकना तो संभव है, लेकिन आत्मा जड़ रूप हो जाए ये कभी कदापि संभव नहीं। पुद्गल अपने परिणमन का करता है, जीव के परिणामों का नहीं। जीव अपने परिणमनों का करता है, पुद्गल के परिणामों का नहीं। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का करने वाला होता है, अन्य द्रव्य रूप ना उत्पन्न होता है, ना उसको ग्रहण करता है, ना अन्य द्रव्य की पर्याय रूप उत्पन्न होता है। इतनी समझ ज्ञानियों के होती है। और जो ज्ञानी परम समाधि में लीन हैं, वे बिल्कुल विचारते हैं, मेरी आत्मा तो ज्ञायक स्वभाव मात्र है, बहिरंग परिस्थितियाँ कैसी भी हों, ये बहिरंग परिस्थितियों का असर पुद्गल पे है, मेरे ऊपर कुछ नहीं, मैं तो अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रहा हूँ और मैं अन्य रूप परिणमन करने वाला नहीं। इस तरह विज्ञानी ज्ञानीपने में रहते हुए अन्य द्रव्य की पर्याय रूप परिणमन नहीं करते। आइए 82 और 85 इन दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद तो आपको हम बोर्ड पे दिखाएंगे, बाकी उच्चारण 82 से 85 तक चारों का करेंगे। आइए, जो भी अनेक विद है विधिया तुमा में, ज्ञानी उन्हें निरखते रत हो क्षमा में, वे साधु किंतु न कभी पर रूप पाते, स्वीकारते न परे को पर में न जाते।
आइए अब पद्यानुवाद निकालें तरासी का। निष्पाप आप अपने अपने गुणों को, ज्ञानी सदैव लखते तज दुर्गुणों को, आधार लेन पर का पर में न जाते, वे साधु किंतु न कभी पर रूप पाते। गाथा नंबर 84 का पद्यानुवाद देखें। ज्ञानी नितांत सुख के दुख के दलों को, है जानते जड़मयी विधि के फलों को, विषादु किंतु न कभी पर रूप पाते, स्वीकारते न पर को पर में न आते। गाथा नंबर 85 का पद्यानुवाद सामने भी देखें, सामने पद्यानुवाद दिया हुआ है उसको भी देख लीजिए। विज्ञानहीन जड़ पुद्गल भी सदा से होता सुशोभित नितांत निजी दशा से, पे छोड़ के न जड़ता पर रूप पाता, स्वीकारता न पर को पर में न जाता। कितना सुंदर पद्यानुवाद है। इस 85 पद्यानुवाद का अर्थ देखें। विज्ञानहीन अर्थात ज्ञान रहित है, जड़ है पुद्गल, फिर भी सदा से वो अपनी निजी दशा से ही सुशोभित रहता है। पुद्गल कभी अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, पे छोड़ के न जड़ता, मतलब जड़ता माने जड़पने को छोड़कर पर रूप नहीं पाता, स्वीकारता न पर को, ना तो पर को स्वीकारता है अर्थात अन्य द्रव्य की स्वीकारता भी नहीं है और अन्य द्रव्य में जाता भी नहीं है, अन्य द्रव्य के साथ बंधता तो है लेकिन फिर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अर्थात कोई भी द्रव्य निश्चय से अन्य रूप परिणमन नहीं करता, द्रव्य का परिणन हमेशा अपनी परिणति रूप ही होता है। जय जिनेन्द्र।